सीए फाउंडेशन जनवरी 2025। आप बोलोगे बहुत टाइम है भैया, अभी कहाँ बना रहे हो वीडियो करके, आराम से कर लेंगे, बहुत है, आराम से हो जाएगा करके। मैं बता दूं बेटा, यहां से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो बहुत कम नंबर ऑफ डेज आपके हाथ में आएंगे अगर आप सोच रहे हो 300-350 प्लस का टारगेट। अरे भैया इतना बड़ा टारगेट क्यों लेना है, 400 में से 200 लाना है करके। अरे बेटा अगर इतना बड़ा टारगेट लेगा नहीं तो कैसे पूरे सीए कोर्स को एक बार में क्रैक करने का सोचेगा। सीए फाउंडेशन वो तुमको कॉन्फिडेंस देने वाला है, वो तुमको अंदर से ट्रस्ट देने वाला है, जिससे आपके अंदर एक चैंपियन माइंडसेट डेवलप होगा और आप सीए इंटर सीए फाइनल एक बार में क्रैक करने का सोच सकते हैं। सबसे पहले चलो कैलकुलेट करते हैं फटाफट कि अगर मैं सीए फाउंडेशन जनवरी 25 देता हूं तो यहां से कितने महीने कितने दिन बचे हैं। मैं मान के चलता हूं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 5-6 महीने आपके पास हैं। बट अगर चारों सब्जेक्ट में अगर 70-80 मार्क्स का टारगेट लेकर तुम चल रहे हो या फिर ओवरऑल 350 प्लस का टारगेट लेकर चल रहे हो तो यहीं से बहुत प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जानी है। सर क्यों लाए 300 प्लस 350 प्लस, उसके और कुछ बेनिफिट्स बताना चाहोगे आप? जी हां, सीए इंटर सीए फाइनल लेवल पर आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी और ICAI की तरफ से भी। तो अगर आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर करते हो तो वो फाइनेंशियली आपको हेल्प करने वाला है। दूसरा, जब आप जॉब के लिए जाओगे, आर्टिकलशिप के लिए चाहोगे, तो आप एक अपफ्रंट पर रहोगे, एक पोजीशन अप रहोगे एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स, बिकॉज आपके पास है अच्छे मार्क्स का बेनिफिट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हैव टारगेट ऑफ 350 प्लस एंड लाइक टारगेट ऑफ 360 प्लस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, लेकिन उसके पहले डायरी पेन ले आओ और बैठ जाओ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाने के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 बातें जिससे आप 350 प्लस स्कोर करने का सोच सकते हैं। सबसे पहले ये पॉइंटर्स आप अपनी डायरी में भी लिख के रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है लेक्चर्स। जहां से भी आप क्लास ले रहे हो, चाहे आप YouTube से फ्री पढ़ रहे हो या फिर आपने कहीं से क्लासेस ले रखी है, उसके 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करके चलना चाहिए। लेक्चर बेटा लिया है तो अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। पैसे के साथ साथ टाइम भी आपका बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज टाइम जाता जाएगा उतनी मेहनत आपको इंक्रीज करनी होगी। लेक्चर्स टाइमली कंप्लीट होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कंप्लीट होने चाहिए, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट होने चाहिए। और आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेक्चर तो कर लिया लेकिन फिर भी हम बैकफुट पर ही हैं। लेक्चर आपको एक कॉन्फिडेंस देने चाहिए, जो हमको 4-5 रिविजन करने हैं ना यहां से, उसका एक ट्रस्ट बना के देने चाहिए। तो लेक्चर्स अच्छे से करो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो और लेक्चर्स को टाइमली कंप्लीट करने का टारगेट। सेकंड, स्टॉप ओवरथिंकिंग। इस दिमाग को बोलो भाई शांत हो जा, प्रो का सिग्नेट कितना करेगा, सेल्फ स्टडी कब करूंगा, 350 प्लस आ पाएगा क्या, लॉ और मैथ्स में कैसे मार्क्स लाऊंगा, मैं तो मैथ्स स्टूडेंट नहीं था, ये सारी जो चीजें हैं एक चीज से दूर हो जाएगी, वो है कंसिस्टेंसी से सर झुका के किताबों में लगे रहने से। बस सोचता रहेगा, इंस्टाग्राम रील्स पर शॉर्टकट ढूंढता रहेगा, सिलेक्टेड प्रैक्टिस सिलेक्टेड क्वेश्चंस के पीछे भागेगा और ओवर थिंकिंग में अपना दिमाग खपा देगा, तो कभी भी बड़े टारगेट चेज नहीं कर पाएगा। तो दिमाग को बोल बेटा शांत रहे, शांत रहे, ओवर थिंकिंग पर लगाओ स्टॉप। थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, तुझे पता होना चाहिए कि यार स्टूडेंट सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक क्या करता है सीए फाउंडेशन में। और हमारा एक्सपीरियंस रहा है यार, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स पर जब 500-600 स्टूडेंट्स लाइव आते हैं यूट्यूब पर, हमारे मेंटरशिप कॉल पे जूम कॉल पर जुड़ते हैं, वो यही बात बोलते हैं कि भैया पिछले अटेम्प्ट में ना लॉ और मैथ्स ने सताया है। तो तुम सोच के देखो यार, ये लॉ और मैथ्स सबसे दुखती नस है, तो क्यों ना यार इस पर हम सबसे ज्यादा वार करें। लॉ में तुमको पता होना चाहिए क्वेश्चन लिखना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसे होना है, ICAI चाहता क्या है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है। मैथ्स में तुमको पता होना चाहिए कि अगर मैं मैथ्स स्टूडेंट नहीं हूं या फिर मैथ्स मेरा वीक जोन है, तो कौन से ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक है, कौन से ABC एनालिसिस वाले पॉइंट्स है जिसको मैं करके जा सकता हूं। लॉ और मैथ्स को आप अपनी वीक कड़ी नहीं बना सकते। और जब आप 300 प्लस 350 प्लस का टारगेट लोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज होगा कि हां बॉस, लॉ और मैथ्स में मुझे डबल टिबल मेहनत करके देनी है। फोर्थ, जैसे आपको पता है IPL में इंपैक्ट प्लेयर होते हैं, वैसे ही अपने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स इंपैक्ट प्लेयर हैं, स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं, इस पर अपने को बैकफुट पर नहीं आना है। अकाउंट्स में आपकी जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस और ये जो भी आपने 11-12 में बेसिक फाउंडेशन बना रखा है उसको और एक अप लेवल पर ले जाना। इकोनॉमिक्स में जो आपने 12th में पढ़ रखा है और जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्ट्रॉन्ग जोन है उसको और स्ट्रॉन्ग करना, उसी से 300 प्लस 350 प्लस आएगा। और मेक माय वर्ड्स, आप 350 प्लस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करने से ला सकते हो। फिफ्थ, कंसिस्टेंसी इज द की। सीए करने का बहुत लोग सोचते हैं, मेहनत भी लोग बहुत करते हैं, ख्वाब भी बहुत बड़े होते हैं। किसी से भी पूछो सीए करना है, हाँ सीए साहब लिखने में भी मज़ा बहुत आता है। कॉपी पे मुझे बता, सच्ची सच्ची बताना अपनी कमेंट सेक्शन में, कॉपी पर लिखते हो ना सीए अपने नाम के आगे, कहीं पर भी ऐसा लिख जाता है तो नाम के आगे फटाक से सीए लिख देते हो, सपने देखते हो सीए अपने नाम के आगे लगा के, देखने से बहुत मज़ा आता है ना, तुमको एक्साइटमेंट आती है।
बट यार कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो पिछले 5-10 दिन से रोज 6-7 घंटे 8 घंटे का प्रोडक्टिव आउटपुट निकाल रहे हैं। मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा जो किसी दिन तो 10-12 घंटे पढ़ लेते हैं, किसी दिन 10 घंटे पढ़ लेते हैं, किसी दिन 1 घंटा पढ़ पाते हैं, किसी दिन पढ़ते ही नहीं है, किसी दिन केवल यूट्यूब इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। भाई उससे नहीं होगा, कंसिस्टेंसी इज द की। आपने देखा होगा कि जो भी कोई व्यक्ति है लाइफ में जो बड़ा अचीव करता है वो एक चीज पर हमेशा बोलता है कि कंसिस्टेंसी थी, लाइफ में डिसिप्लिन था, मैं बस सर झुकाकर मेहनत करता गया, जो भी प्रॉब्लम्स आई मैंने दर किनारे कर दी और मेरा एक ही टारगेट था कि यार मुझे ये अचीव करना है। तो भाई तुम्हारे टारगेट कितने भी बड़े हो बट बैक आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन हूं या नहीं। और ये स्टूडेंट में दिखता है यार। अभी जो नई बैच अनाउंस हुई है सीए फाउंडेशन की, जब उन स्टूडेंट से पूछा गया हमारे मेंटरशिप टेस्ट सीरीज में कि भाई तुमको ये टारगेट क्यों अचीव करना है, तो बच्चे बहुत क्लियर थे, उनका वाई बहुत क्लियर था। बच्चा बोल रहा है हाँ भैया आपने जो सुबह टारगेट दिया था व्हाट्सएप मैसेज पर मैं उसको फॉलो कर रहा हूं और चैप्टर वाइज टेस्ट भी सेल्फ इवेल्युएटेड वाली देकर देख रहा हूं। और जब फुल सिलेबस टेस्ट में उस बच्चे के 300+ आते हैं ना, तो हमको खुशी होती कि ये बच्चा तो 350+ 300+ लेकर आएगा ICAI के एग्जाम में। तो भाई तुम भी मेहनत करो। और अगर तुम सोच रहे हो डिसिप्लिन की कमी है और चाहते हो कहीं पर टेस्ट अच्छे से देना जो कि एक सीए चेक करके दे, 5AM क्लब में डिसिप्लिन लाना चाहते हो, तो भाई साहब जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से उसको चेक करो और इस व्हाट्सएप नंबर पर चेक कर लो कितनी सीट्स बची है ताकि हम आपको ऑफर दे पाए, डिस्काउंट दे पाए और फटाफट आप आ जाओ बुक करवा लो अपनी सीट। बट पॉइंट यही है कि जो बच्चा मेहनत करेगा हम उसके साथ हैं। जो बच्चा बस बोलेगा नहीं भैया शॉर्टकट बता दो, टाइम पास बता दो, एबीसी एनालिसिस बता दो, ये बता दो, वो बता दो, नहीं भाई हम कुछ नहीं बता पाएंगे। प्लीज जनवरी दूर नहीं है, आपको अभी से मेहनत उसके लिए करनी होगी। होप आप मेरी ये बात मानोगे, अपना बेस्ट दोगे और मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे, अपने नाम के आगे सीए जरूर लगाओगे। जाओ कमेंट सेक्शन में अपने नाम के आगे सीए लगा दो और बता दो सीए फाउंडेशन तुम क्लियर करने वाले हो और सीए इंटर में एंट्री लेने वाले हो।